Hello dear students of grade 3, today we will start chapter number 8, our occupations. We need food to eat, clothes to wear and shelter to live in. So, hume khane ke liye food, pehne ke liye clothes aur rehne ke liye shelter chahiye. We can get all these things with the money we earn. Hum ye sari cheeze le sakte hain with the help of money. To earn money, we have to do some work. सो पैसे कमाने के लिए हमें कोई ना कोई काम वर्क करना पड़ेगा. एनी वर्क दैट हेल्प्स अ पर्सन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. अब कोई भी काम जो एक पर्सन मनी कमाने के लिए करता है उसे हम ऑक्यूपेशन कहते हैं. पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड अबिलिटीज. सो बहुत सारे लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन से जुड़े होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड अबिलिटीज. Let us learn about the main occupations of the people in our country. So, हम कुछ main occupations के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी country में हैं. First occupation is farming. Majority of people in India live in villages. So, India में majority of people villages में रहते हैं. Their main occupation is farming. They grow different type of crops. और वो अलग अलग तरह की crops को grow करते हैं. The farmers work very hard to grow crops. They sow seeds, water the saplings and add manure or fertilizers to make the soil fertile. So, उन्हें ये सारे काम करने पड़ते हैं crops को grow करने के लिए. All crops cannot be grown throughout the year. So, सारी crops सारा साल नहीं grow कर सकते हम. Some crops like rice, sugarcane and cotton are grown in summer. So, जैसे rice, sugarcane और cotton हो गए ये सिर्फ summer में grow करते हैं. Crops like wheat, mustard and gram are grown in winter. So, wheat, mustard और gram winter में ही grow करेंगे. After harvesting, the crops are cleaned and sent to the market for sale. So, harvesting के बाद जब वो पक जाती हैं तब उन्हें clean किया जाता है और market में sale के लिए बेच दिया जाता है. Many occupations depend on farming. So, farming पे और भी बहुत सारे occupations depend करते हैं. Cotton grown by farmers is used for making cloth in textile mills. So, textile mill में जो cotton farmers grow करेंगे उसको fabric बनाने के लिए use किया जाता है. Many people work in these mills. So, और इन mills में बहुत सारे लोग work करते हैं. Beverages like tea and coffee are obtained from the leaves and seeds of tea and coffee plants respectively. अब टी हमें टी के लीव से और कॉफ़ी सीड से मिलती है. They are processed and packed in cartons or boxes to be sent to the market. और बाद में इन्हें cartons और boxes में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है. और ये चीज़ भी फार्मिंग पे ही डिपेंड करती है. सम पीपल आर एंगेज इन मेकिंग शुगर एंड जैगरी फ्राम शुगर केन. अब कई लोग ऐसे काम करते हैं जो शुगर केन से शुगर और जैगरी से बनाने से जुड़ा होता है. और वो भी अगर शुगर केन फार्मर्स ग्रो करेंगे तभी अपना काम कर पाएंगे. सम पीपल आर एंगेज इन मेकिंग रोप्स, सैक्स एंड बैग्स फ्रॉम जूट फाइबर्स. अब कई लोग जूट के फाइबर से कुछ ना कुछ बनाते हैं. अब वो भी वो तभी बना पाएंगे अगर फार्मर्स जूट को ग्रो करेंगे. सम पीपल वर्क इन मिल्स और फैक्ट्रीज वेयर कुकिंग ऑयल इज मेड फ्राम द सीड्स ऑफ मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर. अब कई लोग ऐसे मिल्स और फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं जहाँ पे कुकिंग ऑयल बनाया जाता है. अब वो भी किससे बनता है? मस्टर्ड, ग्राउंडनट और सनफ्लावर से. अगर फार्मर्स मस्टर्ड, ग्राउंडनट और सनफ्लावर को ग्रो नहीं करेंगे तो ये लोग भी अपना काम नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट इज कैटल रेयरिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग. मैनी पीपल कीप कैटल लाइक काउस, बफेलोज, शीप, गोट्स इन देयर फार्म्स. अब कई लोग कैटल्स जैसे कि काउस, बफेलोज, शीप्स और गोट्स को अपने फार्म्स में रखते हैं. दीज एनिमल्स आर रियर्ड फॉर मिल्क, मीट एंड वूल. अब इन एनिमल्स को क्यों पाला जाता है? मिल्क, मीट और वूल के लिए. द रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग. अब जो लोग मिल्क के लिए एनिमल्स को रियर करते हैं उसे हम डेयरी फार्मिंग कहते हैं. सम पीपल ऑल्सो रियर हैंड्स, डक्स एंड गीज फॉर एग्स एंड मीट्स. अब कई लोग हैन, डक्स और गीज को एग्स और मीट्स के लिए पालते हैं. द रेयरिंग ऑफ हैंड्स, डक्स एंड गीज इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग. अब जो लोग हैंड्स, डक्स और गीज को रेयरिंग के लिए रेयर करते हैं उस चीज़ को हम पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं. फॉरेस्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस. अ लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री इज कवर्ड विद फॉरेस्ट. हमारी कंट्री का एक लार्ज पार्ट फॉरेस्ट है. मैनी पीपल वर्क इन दीज फॉरेस्ट. Some cut wood while others collect honey, gum, lark and rubber.
अब काफ़ी सारे लोग फॉरेस्ट में वर्क करते हैं अलग अलग तरह के. वुड इज़ यूज टू मेक फर्नीचर, हाउसेज, मैचस्टिक्स, पेपर एंड मैनी अदर थिंग्स. अब जो फॉरेस्ट से हमें वुड मिलती है वो फर्नीचर, हाउसेज, मैचस्टिक्स, पेपर एंड और भी बहुत सारी चीज़ें बनाने में यूज़ की जाती हैं. फिशिंग. फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हु लिव इन द कोस्टल एरियाज़. अब जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं उनका मेन पर्पस और मेन ऑक्यूपेशन फ़िशिंग होता है. फ़िशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फूड फॉर मैनी पीपल. फ़िशिंग बहुत सारे लोगों के लिए फूड है. ऑयल फ्रॉम सम फिश इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन. अब जो ऑयल हमें फ़िश से मिलता है वो मेडिसिन बनाने में भी यूज़ होता है. गुड क्वालिटी फ़िश आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़. अब जो गुड क्वालिटी की फ़िशेज़ होती हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है. Now, fish are sometimes reared in big artificial tanks. The rearing of fish in artificial tanks is called fish farming or pisciculture. अब fish को जो हम rear करते हैं उस चीज़ को हम pisciculture बोलते हैं या फिर fish farming बोलते हैं. Mining. In some places in India, minerals such as iron, coal, mica and copper are found in abundance. अब India में iron, coal, mica और copper बहुत मात्रा में मिलता है, मतलब अबंडेंस में मिलता है. दे आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ. इनको अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा खुदाई करने पर निकाला जा सकता है. दे हैव टू बी डग अप. द डिगिंग अप ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड माइनिंग. अब इन मिनरल्स के लिए, आयरन, कोल, माइका और कॉपर के लिए जब हम अर्थ को डिग करते हैं तो उस चीज़ को हम माइनिंग बोलते हैं. दिस इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हु लिव इन द स्टेट्स दैट आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स. ये उन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है जहाँ पे मिनरल्स बहुत मिलते हैं. मैनी अदर ऑक्यूपेशंस डिपेंड ऑन माइनिंग. और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशंस माइनिंग पे डिपेंड करते हैं. अ वैरायटी ऑफ मेटल्स, केमिकल्स एंड फ्यूल्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज मिनरल्स. अब इन मिनरल्स से हमें मेटल्स, केमिकल्स और फ्यूल्स भी मिलता है. मेटल्स आर यूज टू मेक इंजन्स, मशीन्स, ऑटोमोबाइल्स, यूटेंसिल्स, शिप्स एंड मैनी अदर आइटम्स. अब जो मेटल्स हैं वो इन सारी चीज़ों बनाने में यूज़ होते हैं. पेट्रोलियम गिव अस पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक एंड मेडिसिन. पेट्रोलियम से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं. फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल आर यूज टू रन व्हीकल्स एंड मशीनरी इन फैक्ट्रीज. अब पेट्रोल और डीजल को व्हीकल्स को चलाने में और मशीनरी को चलाने में भी यूज़ किया जाता है. पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट इन सच फैक्ट्रीज. और इन फैक्ट्रीज में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है. डियर स्टूडेंट्स, नाउ प्लीज ओपन टूडेज रिटन असाइनमेंट. टिक द करेक्ट आंसर. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन विलेजेस इज. सो जो भी लोग इंडिया में विलेजेस में रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? फार्मिंग. पोल्ट्री फार्मिंग डील्स विद द रियरिंग ऑफ. सो पोल्ट्री फार्मिंग में लोग क्या क्या रियर करते हैं? हैंस. और भी वो लोग रियर करते हैं हैंस, डक्स एंड गीस. सो हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ हैंस था, सो वी विल राइट हैंस. फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन डैश एरियाज. सो फिशिंग मेन ऑक्यूपेशन किन एरियाज में? कोस्टल एरियाज में. शीप आर रियर्ड फॉर. अब शीप को किस चीज़ के लिए रियर किया जाता है? वूल के लिए. माइनिंग इज डन इन एरियाज विच आर रिच इन मिनरल्स. सो राइट, ट्रू और फॉल्स. वी नीड मनी टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि हमें मनी हमारे बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए चाहिए. ऑल पीपल इन इंडिया डू द सेम काइंड ऑफ वर्क. दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्योंकि अलग अलग लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में वर्क करते हैं. फॉरेस्टर्स गिव अस मैनी यूजफुल थिंग्स. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. रियरिंग ऑफ फिश इज कॉल्ड पिसीकल्चर. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. डिगिंग अप ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग. दिस स्टेटमेंट इज True. Now, what is an occupation? Occupation किसे कहते हैं? Answer is, work done by people to earn money is called an occupation. So, जो भी काम लोग करते हैं money के लिए उसे हम occupation कहते हैं.